नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के आप लोग के इस क्लास में आज हम RRB यहाँ पर ALP टेक्नीशियन 2018 का 10 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो कि आप लोग के RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। पेपर को पूरा सॉल्व करवाया जाएगा, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और GS के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आप लोग के इन आने वाले एग्जाम NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि दोस्तों आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, जो कि आप लोग के NTPC के एग्जाम के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें आप लोग को मिलेंगे पूरे के पूरे 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन। सेम IAS के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसके संबंध में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि RRB NTPC का जो पेपर का पैटर्न, उसमें आप लोग के 30 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, 30 आप लोग के यहाँ पर रीजनिंग के आएंगे और आप लोग के 40 प्रश्न जनरल अवॉर्डेंस के रहेंगे। ओके, और आप लोग जानते हैं कि इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपका ये सेट तैयार किया है। तो इस मॉक टेस्ट की सीरीज में आप लोग को टोटल 30 सेट मिलेंगे और हर एक सेट में 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आप लोग का टाइम भी साथ ही साथ में इसके चलेगा, तो आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा कि आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इससे आप लोग की बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होने वाली, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। तो वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कहीं और से इसको परचेस करते हैं तो ये मिलेगा आपको 149 रुपीज़ का, लेकिन आप लोग BSA ट्रिकी क्लासेस के व्यूअर्स हैं, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ 119 रुपये में। और मुझे ये नहीं लगता कि ये रुपये आप लोगों के लिए ज़्यादा होंगे, तो आपके भविष्य के लिए रुपये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ अगर आप लोग कोई प्रैक्टिस सेट वाली अगर बुक भी परचेस करेंगे तो वो भी आपकी मार्केट में 200 से अबव की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेपर देने का मौका मिल रहा है, वो भी मात्र 119 रुपये में। और जिसमें आप लोग को यहाँ पर पूरे के पूरे 30 सेट मिलेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी पूरे पेपर को पैटर्न का लेवल को ध्यान में रखते हुए ही प्रिपेयर किया गया है। तो बिल्कुल अभी परचेस करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और अगर आप लोग जो है हमारे कोड BSA ट्रिकी, जब आप लोग दोस्तों इसको परचेस कर रहे होंगे तो उस टाइम डिस्काउंट कोड में आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग वहाँ पर क्लिक कीजिएगा BSA ट्रिकी डिस्काउंट कोड में। जैसे ही आप लोग BSA TRICKY ट्रिकी जो है एंटर करेंगे तो ये आप लोगों को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 119 रुपये में। ओके, तो इसको आप लोग परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल आज के इस मॉक टेस्ट को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया गया है। 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 440 रुपये था, 370 रुपये में इस वस्तु को बेचने पर जो है कितने परसेंट की हानि होगी, ये आपको बताना है। फिलहाल आंसर आपका टिक लगा हुआ है, लेकिन आपको आंसर से ध्यान आंसर को नहीं देखना है, आपको तरीका सीखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल ही मेथड से आपको बताने वाले, शॉर्टकट तरीका सीखेंगे और आप सभी को समझ में भी आएगा। तो एक एक पॉइंट को साथ ही साथ में सीखते हुए चलिएगा, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखिए 10% के लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 440 रुपये, 10% का लाभ शामिल है। कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की होती है तो 10% लाभ होगा तो 110% हो गया, यानी कि आपको 110% की वैल्यू दे रखी है 440 रुपये। तो 110% की वैल्यू कितनी, 440 रुपये। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 11 से इसको हम लोग कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों आप लोग का क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, 0 का 0 10 हो गया, 11 चौक 44 40 हो गया। तो 10% बराबर 40 आ गया, तो 100% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। ये 400 रुपये हमारा क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य आप लोग समझते हैं ना, जिस वस्तु पर मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया हो, यानी कि 400 रुपये में वस्तु खरीदी गई, 440 में बेच दी गई, तो 10% का लाभ हुआ। लेकिन यदि इसको 370 रुपये में बेचेंगे तो कितने का घाटा होगा। अब 400 रुपये की चीज़ को दोस्तों यदि आप लोग 370 में बेचेंगे तो 30 रुपये का घाटा होने वाला है आपको। 30 रुपये घाटा किस पर होगा, 400 रुपये होगा। बस आपको हानि ज्ञात करना है, तो हानि हो रही है 30 रुपये की, कितने के, 400 रुपये की चीज़ है, 30% जो है 30 रुपये की हानि हो रही है। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 30/4 4 7 जै 28 बचेगा आप लोग का, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 5 जै 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। तो ये थे आप लोग की इसमें अभिनव बिंद्रा जी, तो अभिनव बिंद्रा जी जो हैं वो आप लोग के रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मुस्लिम संत थे
जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, निजामुद्दीन औलिया जी, बाबा फखरुद्दीन जी, शेख सलीम चिश्ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों का फिलहाल जो है आपका डी वाला होगा। फिलहाल ये जो मैं जीएस के क्वेश्चन, जनरल अवॉर्डनेंस के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग याद कर लीजिए। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के तरीके बताएंगे, उनको आप लोग सीख लीजिएगा। और ये पेपर आप लोग के एनटीपीसी और ग्रुप डी इसके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग देखते जाइए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट के थ्रू जो है बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ये डायग्राम अगर बना हुआ है और ये मान लिया दोस्तों पानी है, तो पानी में इसकी आकृति कैसे बनी। तो दोस्तों पानी में भी आप लोग को ये जो है इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा। तो सेम आपको यही चीज़ देखनी है इसमें, ठीक है। आपका ऑप्शन ए वाला आएगा, बी वाला आएगा, सी वाला आएगा, डी वाला आएगा, जो भी आएगा आपको बताना। अब देखिए आपका जैसे कि ये दे रखा है, अब माने दोस्तों यहाँ पर अगर पानी है तो कैसा दिखाई देगा। दोस्तों ये जो आप लोग का बना हुआ है एक ट्रायंगल, एक इसके अंदर एक ट्रायंगल बना जिसका मुंह आप लोग का इधर साइड में। तो दोस्तों इसका जब अपोजिट इमेज बनेगी तो दोस्तों ये ट्रायंगल आपका कैसे बनने वाला है, ऊपर साइड में डायरेक्शन में बनने वाला है। बस ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में ऊपर की तरफ बन रहा है। एक तो दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर की तरफ इसमें बन रहा है, और एक इसमें ट्रायंगल आप लोग का ऐसे बन रहा है। बाकी देखिए इसमें भी उल्टा बन रहा है, इसमें भी उल्टा बन रहा है, तो बी और सी नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन है इस साइड में गई, ये जो लाइन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो पानी में भी दोस्तों आप लोग को ये इसी डायरेक्शन में दिखाई देगी, ना कि इस डायरेक्शन में, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन जो है आप लोग का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका आ गया, ए वाला डायग्राम सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दो संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है 432.432। एक संख्या आपको दे दी गई है 1.6, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, 1.6 ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या मान ली x है, इन दोनों का मल्टीपल आपका है 0.432, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, दोस्तों आप लोग क्या करेंगे यहाँ से, मान लिया दोस्तों आप लोग यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, तीन जीरो यहाँ से बढ़ा लेंगे, दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल भी हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 16 2 जो आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा 32, और आपका यहाँ पर दोस्तों बचेगा यहाँ पर फिर 16 की आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27/100 यानी कि आपका जो है ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, ओके। तो दोस्तों आपका आंसर इसका सी वाला आ गया था, 0.27। अगला क्वेश्चन आप लोग का इसमें रीजनिंग का है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है तथा दाई ओर मुड़ जाता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर क्या होता है बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में आपको बताना है। अब क्या दिया गया, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 10 किलोमीटर चल, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और पूरब की दिशा में चलता है, कितना 10 किलोमीटर चलता है, चल लिया। अब वह जो है दाई ओर मुड़ जाता है, 10 किलोमीटर चलता है और दोस्तों किस साइड में मुड़ जाता है, दाई ओर यानी कि अपने राइट साइड की ओर मुड़ता है। तो सीधा हाथ दोस्तों किधर होगा, इस साइड में होगा, और कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब दोस्तों उसका यहाँ पर बाईं ओर मुड़ने का मतलब दोस्तों किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ये तो बता दिया कि वो पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से दोस्तों दाईं ओर मुड़ गया। अब क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर चला, फिर जो है वो बाईं ओर मुड़ता है। अब बायां दोस्तों किधर होगा, इसका मतलब उल्टे साइड में मुड़ता है आपका, यानी कि इस साइड डायरेक्शन में। तो कितना चलता है, ये 6 किलोमीटर और चलता है यहाँ से। अब भाई अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये आप लोग के डायरेक्शन पहले दोस्तों यहाँ पर था और इस टाइम दोस्तों यहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी होगी इसके लिए, यहाँ पर ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो ये डायरेक्शन दोस्तों इसके लिए कौन सी होगी, तो आपको पता है दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये है, ये देखिए आप लोग, ये उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब और ये पश्चिम। तो ये और ये पूरब और दक्षिण, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी दोस्तों, ये होगी दक्षिण पूरब, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने पहले भी जब आपको ये बताया था तो आप लोग से कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग इस डायरेक्शन, इस चित्र को बना लिया कीजिए, क्योंकि आपका ऊपर जो होता है हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, यहाँ पर राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है। दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टैक को ख़त्म करने के लिए इसने इसे 161 रुपये में बेच दिया, तो दीप्ति को जो है कितने परसेंट की हानि हुई। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 175 रुपये में कपों का सेट खरीदा है, लेकिन पुराने स्टॉक को जो है ख़त्म करने के लिए
161 में बेच दिया, तो कितने रुपए, कितने परसेंट की हानि हुई है ये आपको बताना है। अब 175 रुपए की चीज़ है, 161 में बेच दिया तो कितने रुपए की हानि हुई है आपको यहाँ पर दिख गया, वो 14 रुपए की हानि हुई है। चीज़ कितने रुपए की थी, वो 175 रुपए की चीज़ थी, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आप हानि निकल आएगी आपकी। तो दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 7 जा आपका आ जाएगा 175, 25 4 जा 100, 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8, यानी कि इसका आंसर 8% आपका आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए, इस तरीके से बनने वाले समूह क्या होंगे। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दें कि पहला वाला डायग्राम देखिए, इसमें डायग्राम के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है। तीसरे वाले में सेम यही प्रोसीजर है आप लोग का, डायग्राम के अंदर एक डायग्राम दिया गया है, और नवे वाले में भी आपका यही दिया गया है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो तीनों आप लोग के मैंने पेयर लिए, ये एक के अंदर एक बना हुआ है। अगला वाला मैं पहचान बताता हूँ, देखिए एक कोई भी डायग्राम उसके अंदर लाइनें हैं, दो लाइन है, जैसे कि एक डायग्राम ये, इसके अंदर दो लाइनें हैं, ये एक डायग्राम इसके अंदर दो लाइनें हैं, तो एक आपका 2, 5 और 6 का कलेक्शन बनेगा, 2, 5 और 6 का कलेक्शन बनेगा। और एक देखिए दोस्तों कैसा बन रहा है, ये दो डायग्राम एक जैसे, एक के पास एक दूसरा टच हुआ हुआ सेम उसी शेप में, ये 7वां और ये 8वां, ये दोनों, ये तीनों सेम हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का आंसर आएगा ये आपका यहाँ से आ जाएगा सेकेंड वाला, समझ गए क्यों। देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट 3rd 9, 2 5 6 और 4 7 8 जो मैंने पहचान बताई, यही वो पहचान है जिससे आप लोग के ये पेयर बने हैं। अब 9th क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखा है, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का जो है चयन करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको इधर रखा एक यूरो का साइन, एक वाई बना हुआ है, एक डॉलर बना हुआ, ये सारे जो है साइन है, लेकिन इसमें जो ए है वो आप लोग का एक करेक्टर है, इसलिए सबसे अलग आपका, सबसे भिन्न ये होगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपका ए आएगा वही आप लोग का अलग है, बाकी सारे गलत हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट हो जाए, क्योंकि ए जो है करेक्टर, बाकी सारे साइन हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग कौन सा है दोस्तों, 441 रखा है, ये 21 का स्क्वायर होता है, तो 441 का रूट करेंगे तो आप लोग का 21 आ जाएगा, 21 21 जो आप लोग का 441 होता है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर 4th वाला करेक्ट दिखाया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इनका नाम आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अजय सिंह यहाँ पर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये आप लोग के हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर को फाउंडर एंड ओनर ऑफ इंडिया लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट, नाम इनका है अजय सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये गैस आप लोग की नाइट्रोजन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करते हैं, बाकी हमारा जो फोकस रहेगा पूरा वो मैथ्स और रीजनिंग पर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जीएस तो उनकी प्रिपेयर हो जाती है क्योंकि वो करंट अफेयर साइंस सभी उनका पढ़ा होता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वीक होते हैं, उनकी वीकनेस को ही हमें दूर करना है, ठीक है। बस आप लोग कॉन्टिन्यू इसी तरीके से लगे रहिए, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादातर शेयर करते रहिए, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट, इसी तरीके से मैं भी आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यू सारे के सारे हम पेपर सॉल्व करवाएंगे, और जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सेंड भी किए हैं, आज आप लोगों में से किसी एक का पेपर है जिसे मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से हम लोग सारी शिफ्ट के, चाहे वो आप लोग का RPF का हो, चाहे वो आप लोग का ALP का हो, NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, एक एक पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप लोग कॉन्टिन्यू चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए BSET की क्लासेस को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दो भिन्नों का योग आपको 5/6 दिया गया है, इनमें से एक भिन्न आपका 3/4 है, तो दूसरा भिन्न आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपका पहला जो एक भिन्न आपको दे रखा है 3/4 है, दूसरा भिन्न मान लिया हमारा x होगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों भिन्नों का योग कितना है, 5/6 है। अब देखिए 3/4 आप लोग का जो योग में है, अगर दोस्तों आप लोग इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3/4, तो माइनस का दोस्तों हमारा 3/4 यहाँ से आ जाएगा, 6 और 4 का LCM हमारा आ जाएगा 12, 12 लिख लिया, 6 2 12 तो 5 2 10, 4 3 12, 3 3 9, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/ यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, तो यहाँ से आप लोग का जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या फिर समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है, साइंस का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं जड़त्व।
जड़त्व क्या करता है, कोई भी व्यवस्थित वस्तु है उसकी प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या फिर समान गति से गतिमान रहने के लिए अगर वो प्रवृत्त करता है तो वह उसका जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, समर्थ जो है 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों समर्थ जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 मीटर के लिए उत्तर डायरेक्शन चलता है। माने दोस्तों यहाँ पर खड़ा है और 10 मीटर दोस्तों क्या हुआ, वो उत्तर डायरेक्शन की ओर गया, ठीक है। फिर वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है, ओके। अब उत्तर की ओर गया, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा। फिर वह दाएं मुड़ता है, 4 मीटर चलता है। दोस्तों अब की बार दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, 4 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर यहाँ पर चलेगा, ठीक है। 6 किलोमीटर मान लिया दोस्तों चला गया ये आप लोग का, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब समर्थ का मुंह जो है वो किस डायरेक्शन में आपको निकालना है, तो उसका मुंह जो है दोस्तों किस डायरेक्शन, देखिए आप लोग जानते हैं, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूरब इधर, पश्चिम इधर। तो इसका मुख जो है दोस्तों किस डायरेक्शन में आप लोग का, ये डायरेक्शन आप लोग की पूरब होगी, इसलिए इसका आंसर भी ईस्ट आ रहा है। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में ऋण समावेशन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल ये बैंक है SBI बैंक। SBI बैंक ने ही यहाँ पर उन्नति क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, गरीबी जो है बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। तो ऐसे में क्या निष्कर्ष लिया जा सकता है, आइए बात करते हैं इस संबंध में। सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए या फिर सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि सभी नेताओं को बदल देना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसा कि आप लोगों ने कथन पढ़ा, क्या एक साथ सभी नेताओं को आप लोग बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, और ना ही आप लोग सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कह सकते हैं। तो दोनों ही निष्कर्ष जो हैं बिल्कुल निरर्थक दे रखे हैं, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है कथन का। तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड अनुसरण करता है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त दिया गया। प्राकृतिक संख्याएं आपको दे रखी हैं A, B, C, D और E, इनमें से विषम संख्या कौन सी। अगर आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो A, B, C, D, E और आप लोग का ई ये प्राकृतिक संख्या है। आपको यह तो बता देगा प्राकृतिक संख्या, लेकिन आपको ये बताने की कौन सी सम है और कौन सी विषम है। यहाँ पर बी बता देगा कि बी एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या के बाद दो भी छोड़कर एक अभाज्य आ सकती है, तीन को छोड़कर भी अभाज्य आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ भी कहना बिल्कुल निरर्थक होगा। तो ना तो इसमें पहला वाला वक्तव्य सही रखा ना तो सेकेंड, तो आप लोग का नाइदर फर्स्ट नॉर ही सेकेंड आएगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज सफिशियंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान दिया है। तो ये ध्यान केंद्रित किया इन्होंने हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों पर ही इन्होंने जो है ध्यान केंद्रित किया है मेंडलीव की सारणी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, साई और सतीश की वर्तमान आयु 5:4 है, आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्तमान समय में सतीश की जो है आयु कितनी होगी आपको बताना है। अब देखिए आपको वर्तमान समय में इसको मानेंगे पी से, और 3 साल जो बाद की बात हो रही है इसको मानेंगे P+3। ये मैंने आपको पहले भी तरीका शॉर्टकट बताया कि कैसे आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को लगाते हैं। अब साई हैं और सतीश है, साई को मान ले रहे हम लोग दोस्तों S और सतीश को मान ले रहे ST। साई को मान लिया S, सतीश को मान लिया ST। अब वर्तमान अनुपात कितना है, 5:4 का है यह वर्तमान अनुपात, और 3 साल बाद अनुपात है 11:9 का। अब देखिए 11 और 5 के बीच अंतर देखिए कितना है, 5 में 6 जोड़ेंगे आपका 11 आ जाएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे आपका 9 नहीं आएगा, 4 में 5 जोड़ने पर आ रहा है। तो रेशियो बराबर करना, देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 4 और 5 एक का अंतर है इसके बीच में, ऐसे 11 और 9 के बीच में कितने का अंतर, 2 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका 2 का अंतर है तो यहाँ पर भी अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। 2 बनाने के लिए दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, हो जाएगा 5 × 2 = 10। चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लिख लिया। और 4 की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
और यहाँ पर तो 11 और 9 चल रहा है, तो 11 और 9 लिखेंगे। तो दोस्तों 10 में से 11 घटाएं चाहे 8 में से 9 घटाएं, दोनों में अंतर 1 का बच रहा है, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इन दोनों के बीच समय का अंतर 3 है, और इन दोनों के आपस में जो अंतर रेशियो का वो भी आप लोग का 1 है, तो x बराबर हमारा डायरेक्ट 3 आ जाएगा। अब जिसकी वर्तमान आयु पूछी जाएगी उसकी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछी जा रही है सतीश की वर्तमान आयु, तो सतीश का दोस्तों रेशियो 8 है, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 दे रखा है, तो 4 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, लेकिन मानेंगे आप लोग इसको 8 के मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24 वर्ष आएगा। तो सतीश की वर्तमान आयु इस प्रकार 24 वर्ष होगी, तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी के रूप में जो है पौधों से भोजन प्राप्त करता है, तो ये आप लोग का कौन सा है, ये कसक्यूटा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ये है आप लोग का कसक्यूटा। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, तो यह है C3H8, यह है आणविक सूत्र प्रोपेन का। ध्वनि की हवा में चाल होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, यदि इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी पर जो है तय की गई हो, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा तय की जाती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सोर्स क्या होगा, सोर्स कर्ण रिसीवर या फिर अशांति, तो इसका राइट आंसर है अशांति। ठीक है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो दोस्तों कोई भी स्लिंकी जो आप लोग की है, इसको संकुचित स्लिंकी, इसको अगर आप लोग छोड़ेंगे तो जो आप लोग की स्थिर ऊर्जा होगी वो तुरंत ही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका इसका राइट आंसर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो है सीधी संख्या में जो है यहाँ पर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, दोस्तों दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को जो है सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि आपको एक ट्रायंगल रखा है, देखिए एक लाइन आपकी एक जा रही है, एक सीधी रेखा, एक दो लाइन, तीन लाइन, इस तरीके से 3 लाइनें ये हो गई। अब देखिए दोस्तों चौथी लाइन 4, एक लाइन ये जा रही है 5 लाइन, ये 6 लाइन और ये 7 लाइन, सीधी सीधी 7 लाइनें ये हो गई, 7 लाइनें हो चुकी हैं। अब देखिए एक सीधी लाइन आपकी एक 8, ये आपकी 9, ये आपकी 10 और ये लाइन आपकी 11, तो टोटल इसमें कितनी सीधी लाइनें हैं, तो टोटल आवश्यक न्यूनतम सीधी लाइनों की संख्या है वो है आप लोग की स्ट्रेट लाइन है इसमें 11, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का रासायनिक ऊर्जा है। ये आप लोग का क्या है कि निम्न में से किसी भी रूप नहीं, कोई भी रूप इसका जो है नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि साइकिल चल रही है, आप लोग गोल गोल जो है आप लोग पैडल मार रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा लग रही है, साइकिल गति कर रही है, गतिज ऊर्जा भी हो रही है, और आपके अंदर भी दोस्तों क्या हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्मीय ऊर्जा भी वहाँ पर जो है, लेकिन वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का काम नहीं हुआ है। तो साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा में से कौन सा रूप नहीं हो सकता, तो वो आप लोग का रासायनिक ऊर्जा होगा। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर 2 है, तो कॉट थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया गया और कॉट थीटा का मान आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे डायग्राम के थ्रू और ऑप्शन का यूज़ करके। जैसे कि मान लिया पहले आप लोग ऑप्शन ए लेंगे, फिर ऑप्शन बी लेंगे, फिर ऑप्शन सी लेंगे, तो हम लोग सीधे ऑप्शन सी लेकर बताते हैं कैसे इसका यूज़ करना है। ऑप्शन सी दे रखा है 0.75, इसका मतलब दोस्तों क्या आपका 3/4 है, तो cot थीटा की वैल्यू आप लोग की 3/4 आपको दी गई। जैसे कि मान लिया cot थीटा बराबर आपका 3/4 है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है, तो ये आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर 3 और 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से 5 आप लोग का यहाँ पर भी आ जाएगा। क्या अब आप लोग वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, क्या cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 आ रहा है, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है 5 लंब है 4, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप लोग की कॉसेक थीटा की वैल्यू है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आप लोग की 3/4, जैसे कि आपको पता है, इनको जोड़िए कि आपका 2 आएगा, 5 3 8/4, 4 2 8 2 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर जो है यहाँ से थर्ड वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ए फिर है बी सी फिर है डी ई एफ फिर है जी एच आई जे, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा के एल एम एन, तो बस आपका यहाँ से कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा।
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका खेल क्या है? भाला फेंक है, चक्का फेंक है, गोला फेंक है या फिर लंबी कूद है? तो इनका राइट आंसर है इसका जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। तो जो आप हमारे भारतीय एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, तो ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इन्होंने अपना इतिहास रच दिया है और ये फिलहाल भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया। आप देख पा रहे होंगे आप लोग एक डायग्राम आपको दे रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, या आप लोग को लड़के हैं लड़कियाँ दे रखे हैं, एथलेटिक खिलाड़ी दे रखे हैं, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित लोग दे रखे हैं। तो ये जो आप लोग का पूरा ब्लॉक दे रखा है ये है अनुशासित लोगों के लिए, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अनुशासित का है। खिलाड़ी एथलेटिक सर्किल जो है वो एथलेटिक का है, खिलाड़ियों का है। गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, लड़कियों के लिए दोस्तों आप लोग को ट्रायंगल दे रखा है जिससे कि मतलब नहीं है ट्रायंगल से। और बॉयज़ के लिए दोस्तों यहाँ पर एक आप लोग को स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, मालिक आप लोग को स्क्वायर दे रखा है। अब आपको बताना है उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाते हैं जो कि डिसिप्लिन में नहीं आते हैं। तो खिलाड़ियों को दर्शाते हैं जो कि डिसिप्लिन में नहीं आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका क्या दे रखा है, खिलाड़ी हैं और आपके डिसिप्लिन में नहीं आते हैं। डिसिप्लिन में आने वाले लोग कितने, ये आपका जो ये दे रखा है खाली सिर्फ इतना का इतना ही जो है जो कि आप लोग का डिसिप्लिन में नहीं आएगा। बाकी खिलाड़ी के लिए दोस्तों आप लोग का सर्किल है आपका देख सकते हैं यहाँ पर 7 दे रखा है। ये जो है आप लोग का गर्ल्स के लिए जो ट्रायंगल बना है गर्ल्स का है, ठीक है। और आपको बताना है कि खिलाड़ी भी है वो, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर आप लोग का 16 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए खिलाड़ी वाले का एक ब्लॉक आप लोग का ये है और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जो अनुशासित नहीं है वो नहीं चाहिए यानी कि बाहर। देखिए यहाँ पर आपका 7 बचेगा और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 5 और 4 आ रहा है, 5, 4 और 7 मिलाकर टोटल जो आप लोग का आंसर है वो आ जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ये रहा 16। अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर युक्ति दी जा रही है कि एक्स वाई को यहाँ पर सलाह दे रहा है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे IIM जाना चाहिए। तो IIM जो है एक उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों उत्तम शिक्षा प्रबंधन अगर वो प्रदान कर रहा है तभी वो उसको सलाह दे रहा है और एक्स जो है वाई द्वारा जो है दी गई सलाह सुनता है। जब उसको सलाह दी जाएगी तो सलाह सुनेगा। तो दोनों ही पूर्व धारणाएँ बिल्कुल सत्य दे रखी हैं, दोनों ही अनुसरण करती हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1st और 2nd, दोनों ही पूर्व धारणाएँ अंतर्निहित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूलों के केंद्र में मौजूद होता है? आप लोग का सेपल्स यानी कि बाह्य दल, पंखुड़िया, कैरेपल या फिर दोस्तों आप लोग का पुष्प केसर। तो यह अंडप, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग को 4 शहर दे रखे हैं ABCD, ठीक है। 4 शहर है जिनकी जनसंख्या दे रखी है जैसे कि 200, 150, आप लोग को 120, जिसमें से शिक्षित लोग आपको दिए गए हैं और अशिक्षित लोग दे रखे हैं। और शिक्षित लोगों का यहाँ पर प्रतिशत भी आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर शहर सी का निकालना है। तो देखिए क्या दिया गया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। अब सी में देखिए टोटल जनसंख्या कितनी है, 150 की जनसंख्या है जिसमें से 50 लोग शिक्षित हैं। प्रतिशत बदलने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, 150 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 53 जब 150 आ जाएगा 100/3 आ जाएगा। 100/3 का मतलब होता है 33.3, यानी कि आपका यहाँ से सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा ये आपको निकालना है। अब जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणीय जो संख्या पूछी जा रही है आपको ट्रायंगुलर नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर आपके 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ट्रायंगुलर नंबर आप लोग के ये नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए पहला अगर आपका एक ट्रायंगल बना है तो इसमें आप लोग का 1 आएगा, ठीक है। दूसरे में दोस्तों आप लोग का कितना बनेगा, 2 और 1, 3, यहाँ पर आपका 3 आएगा। अगली बार में तीनों को ही मिला लेंगे, जैसे कि आप लोग देखिए 3, 2, 5 और 1, 6 आएगा। नेक्स्ट वाले में चारों को ही मिला लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 आ जाएगा। और अगले वाले में 5 को मिला लेंगे तो 10, 5, 15 आ जाएगा। तो ये है आप लोग का ट्रायंगुलर नंबर और यहाँ पर इन पांचों संख्याएं जो आपकी आई हैं जो आप लोग के ट्रायंगुलर नंबर हैं इनका माध्य ज्ञात करना है। तो 5 से कर देंगे इन सबको जोड़कर डिवाइड, तो बीच में सब आपके आपके प्लस 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 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका क्या आएगा, 1+3+6+ यहाँ पर आएगा आप लोग का 10+15 और इसको भी डिवाइड करेंगे आप लोग 5 से। तो देखिए आप लोग को 15, 10, 25, 6, 3 और 1, 10, 25, 10, 35/5 आ जाएगा। तो 5, 7, 35, तो आपका आंसर यहाँ से 7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है बहुविखंडन के द्वारा? तो आपको बता दें प्लाज्मोडियम जो है ये आप लोग का बहुविखंडन के द्वारा
उत्पन्न होता है। अब आपको इसको हल करके बताना है। यहाँ पर देखिए माइनस का 4 है और ब्रैकेट के अंदर 19 माइनस माइनस का 2 इंटू माइनस का 8। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग छोटे ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 है, बाहर भी आपका माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई है, माइनस का साइन है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का 8 ही रहेगा। लेकिन पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा जाएगा 16, और काय का 16 आएगा आपका, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन प्लस का लगा है, माइनस का 16 आएगा, यानी कि 19 माइनस 16, तो आपका जो है केवल 3 बचने वाला है। तो जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा केवल क्या आया, 3 आया। इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 4 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 3 12, वो भी माइनस का, इसलिए आप लोग का यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 37 देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया, व्यय की मदें आपको दे रखे हैं, जैसे कि साल दे रखे हैं 2001 2002 2003, इस तरीके से 2006 तक आपको दिया गया है। वेतन दे रखा है इतना, जिसमें से भोजन पर इतना खर्च होता है, दवाई पर इतना व्यय होता है, टैक्स इतना जाता है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रति वर्ष औसत वेतन 2001 2006 के दौरान कितना है। जो प्रति वर्ष औसत वेतन है, जो एवरेज यहाँ पर जो वेतन है, ये 2001 से लेकर 6 तक कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एवरेज इनकम निकालनी है। तो एवरेज इनकम निकालनी है दोस्तों, क्या करेंगे, ये आप लोगों को जितने भी यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, जो भी वेतन दे रखा है, जैसे कि 2001 में कितना वेतन है, 2002 में कितना वेतन, 2003 में कितना वेतन है, इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर 216 और 2 0 आगे और लग जाएंगे, तो आपका 21,600 रुपये आ जाएगा। और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, देखिए कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 साल है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से 3600 निकल आएगा। तो टोटल जो एवरेज आएगा, जो औसत आएगा, वो 3600 आएगा। तो इसलिए आप लोग का इसका आंसर जो है आप लोग का 3600 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर सोडियम। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं, तो ये आप लोग का है ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो फूलों वाले यहाँ पर ब्रायोफाइलम पौधे की पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में यहाँ पर कलियां पैदा होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वीर अपनी मासिक आय का 15% जो है किराए पर खर्च करता है। अब 15% किराए पर खर्च कर दिए, शेष कितना बचता है, 85। अब 85 का ये 60% जो है बाकी घरेलू खर्चों का, अब देखिए 85 का 60% आप लोग का कितना आएगा, तो सीधे इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 5 से 10, 2 3 जा 6, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 5, ठीक है, 5 7 जा 35, 17 51% जो है बाकी घरेलू खर्चों पर, यानी कि 51% ये, और 15% जो पहले जो घर के किराए पर खर्च किया था, यानी कि 5 और 1 6 5 और 1 6, 66% दोस्तों वो खर्च कर देता है। तो 100 अगर 100 में से वो 66 खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, तो दोस्तों उसके पास जो बचेगा वो आप लोग का कितना बचेगा, आप लोग का 10 में से 6 गया, आप लोग का 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 9 में से 3 गया 3, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, तो 34% जो है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर 34% की वैल्यू दे रखी है, 221 0, यानी कि 2210। तो दोस्तों हम लोग काटते हैं इसको यहाँ पर 17 से, 17 दूनी 34, ठीक है, 17 एकम 17, आपके यहाँ पर दोस्तों कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 17 3 51 बचा दोस्तों आप लोग का 0, 130 आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप लोग का 130 का आधा 65 आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू 65 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6500 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग का आंसर फोर्थ वाला आ जाएगा, तो उसकी मासिक आय कितनी है, वो है आप लोग की 6500 रुपये, क्लियर हो गया इतनी बात, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी कौन सी का चयन किया, जैसे कि प्यूपल का यहाँ पर पर्सन है, प्यूपल दोस्तों आप लोग का जो था यहाँ पर प्लूरल में था, पर्सन कर दिया इसका, तो उसी प्रकार जो है आप लोग का कैक्टी का हो जाएगा, कैक्टस, ठीक है। तो ये आप लोग का इसका राइट आंसर यहाँ से फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आप लोग का जो है फिजिक्स का है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजन गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है आप लोग का जो काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ लिखा हाफ m, आपका दे रखा वजन है 0.5 और वेग दे रखा है 4 मीटर, तो 4 चौक 16 लिख लिया, तो 2 8 जा 16 आ जाएगा, 8 5 40 आएगा, तो 4.0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 4 जूल आ जाएगा, क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है सुदीप्ता दास के द्वारा, ठीक है। 2 दशमलवों का गुणनफल अगर आपको दे रखा है 0.768, और यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है,
तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर जो दे रखा है 7 6 8, इसको 16 से आप लोगों को करना है डिवाइड। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 16 चौक 64 आ जाएगा, बचेगा आप लोग का 128, 16 8 128, तो आपका आंसर 48 आ जाएगा। तो ये रहा थर्ड वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए जो है उच्चतम क्षमता होनी चाहिए? तो उच्चतम क्षमता है पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए यहाँ पर उच्चतम क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पैटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये आप लोग की जो हीरोइन है ये अनुष्का शर्मा, जिन्होंने यहाँ पर पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, एक विलयन का पीएच मान 3 है, यदि जब पीएच मान बदलकर अगर 6 हो जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ये कितनी हो जाएगी? तो उसकी जो सांद्रता है वो यहाँ पर 1000 गुना कम हो जाती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा O3 होता है, इसके एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ अभिनेता व्यापारी हैं, सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए व्यापारी से व्यापारी कट जाए, क्यों? क्योंकि I+A बराबर आपका, मैंने आपको बताया था I होता है, तो आपका आंसर आता है कुछ अभिनेता बुद्धिमान होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ वाले तो कोई ब्लॉक ही नहीं, सारे सभी सभी में दे रखे, तो दोनों के दोनों ही आप लोग के गलत हैं, इसलिए आपका आ जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो ये आप लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग का किस डायगोनल पर है, ये आप लोग का इस डायगोनल पर ये डायग्राम बना रहा है। तो अब क्या दोस्तों, जब इस बार इस पर बनाया तो अगली बार में इस डायगोनल पर बनाया इसने, ये देखिए यहाँ पर इस डायगोनल पर ये बन रहा है। ठीक है, फिर देखिए आप नीचे इसने दोस्तों ये दो स्टेप से ब्लॉक बनाए, तो अब की बार दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऊपर स्टेप से ब्लॉक बनाएंगे, तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो ए वाला आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेलवे ने जो है इसका आंसर बी माना है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका आंसर जो है आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंडों में पार कर जाती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? अब जैसे कि आप लोग की ट्रेन की लंबाई देखिए 150, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लिया एल है, समय लगता है यहाँ पर 42 सेकंड का, और ट्रेन की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी लिख लिया, समय लिख लिया, चाल आपकी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 54 लिख रखा है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम लोग 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, 18 तिया हो जाएगा 54, ठीक है, 5 तिया हो जाएगा आप लोग का 15, 15 की मल्टीप्लाई आप लोग 42 से करेंगे, तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, और आप लोग का 3 और जुड़ जाएगा तो 63 हो जाएगा, तो 630 माइनस यहाँ पर 150 आ जाएगा, बराबर आपका एल निकल आएगा। तो एल की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर आ जाएगी 480 मीटर। तो ये आप लोग का आंसर है यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रखा है कि दी गई सीरीज में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते लेकिन दाहिनी ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं? तो यहाँ पर आप लोग 8 देख रहे होंगे दोस्तों, जो दाईं ओर की संख्या से जो है आप लोग की बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं और दाईं ओर से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर 1 8 ही मिलेगा, तो इसलिए आपका इसका आंसर जो है वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसने जो है कार्यभार ग्रहण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, ये है आप लोग के राजीव महर्षि जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे प्राचीन का पुराना है उसी प्रकार आप लोग का बेड सीट का क्या होगा? जैसे कि प्राचीन का मतलब पुराना है, तो बेड सीट का मतलब आप लोग का रजाई हो सकता है, ना कि तकिया सोफा और बर्थ होगा, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा कि 4:37 के समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना कोण होगा? देखिए 6 18 18 तो होगा नहीं, आपका सीधे होगा बिना क्वेश्चन को लगाए 83.5 क्यों होगा? देखिए अगर आप लोग इस घड़ी को अगर ध्यान से देखिए, अगर ये आपका 12 है, ये आपका मान लिया 6 है, ये आपका 9 है और ये 3 है, और क्या कह रहे हैं 4:37 बज रहा है, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर 4 है, ये 5 है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 4:00 दोस्तों, यानी कि एक सुई आप लोग की यहाँ पर है और 37 मिनट, तो आप लोग का 35 और 37, यानी कि दोस्तों आपकी एक सुई आपकी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच दोस्तों कितने डिग्री का एंगल हो गया, 30 और 30 60 का हो गया। ठीक है, अब ये ज़्यादा हो गया ना, 60 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, तो आपका 83 आ रहा है, इसलिए यहाँ से इतना हो जाएगा। बाकी आप लोग करेक्ट जो करने के लिए करेक्ट करने करेक्ट आंसर लाने के लिए काउंट कर सकते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, एक प्लस था, प्लस में दोस्तों इसको हमने प्लस को इस तरीके से काट दिया, जैसे कि पहले प्लस था, फिर ये प्लस को मैंने काट दिया, फिर हमारे प्लस के चार ओर मैंने क्या किया, गोले बना के चार चार सर्किल बाहर लगा लिए। फिर आपका इस तरीके से एक डायमंड रिंग, आपका एक डायमंड दे रखा था, इस डायमंड को दोस्तों हमने चारों तरफ से ऐसे कैसे काटा, और फिर डायमंड के चारों ओर बाहर मैंने क्या रख दिया, चार सर्कल रख दिए। सेम यही प्रोसीजर आपको इसमें रिपीट करना, जैसे कि आपको ये दिया गया है, इसके बाहर हम लोग क्या करेंगे, चार सर्कल रख देंगे। तो इनमें से किस में दोस्तों ये दे रखा है, बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये किस दिशा में उड़ जाती है, ठीक है? तो दोस्तों सघन से जब विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब की ओर दूर हट जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाती है तथा उसकी गति बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, और अगर अभिलंब के पास आ जाती है, निकट आ जाती है, तो क्या होती है, इसकी गति घट जाती है। बस इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% के लाभ पर बेच दिया होगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो कुछ नहीं करना है, 60 का जो है 25% लाभ पर, यानी कि 125% निकाल लेना है। तो बस 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा 30, 15 15 पंजे 75। तो सीधे आप लोग का आंसर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दो वक्तव्य दे रखे हैं आप लोग को। रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव में 25% की वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, द ट्रेन फेयर्स हैव इंक्रीज्ड बाई 25%, 25% विद इमीडिएट इफेक्ट। तो आपको यहाँ पर यह दे रखा है, क्लियर होगी इतनी बात। अब पहला यहाँ पर मान्यता दे रखी है कि लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं, या फिर परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अन्य साधन वृद्धि करवाए ना करवाए, लेकिन हाँ, लोग जो है वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर केवल पहली मान्यता तो सही हो सकती है, लेकिन दूसरी वाली जो है वो सही नहीं हो सकती। तो फिलहाल आपका जो है केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, अन्य कोई नहीं करता, तो इसलिए आप लोग का आंसर यहाँ से डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मलेशिया में रेलगाड़ियाँ जो है समय पर चलती हैं, श्री जेड को ट्रेन के लिए कितने देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? श्री जेड जो है रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच गए, सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन जो है रात के सीधे 12 बजे है। तो दोस्तों वो 10 बजे पहुंच गए, यानी कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंच गए। अगर दोस्तों यहाँ पर वो जानते हैं कि मलेशिया में जो है रेलगाड़ी समय पर चलती हैं और श्री जेड को अगर ट्रेन चाहिए तो ट्रेन के लिए यहाँ पर कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी होगी, अब आप लोग इन दोनों ही कथन के जरूरत से जो है निकाल सकते हैं। तो दोनों ही कथन के हमें पर्याप्त हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, इसलिए दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में सफलता तो मैच में दोस्तों क्या होगा, मैच के लिए क्या करेंगे, तैयारी, प्रयास, या फिर क्रिकेट, या फिर विजय? तो दोस्तों जिस प्रकार परीक्षा में सफलता मिलती है जीतने पर, उसी प्रकार मैच में जीतने पर क्या होते हैं, आप लोग विजयी होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग को यहाँ पर, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो संभावित अंतर जो है बी वोल्टेज वो आप लोग का स्थिर रहता है। तो देखिए इसका क्या होगा, विभवांतर घट जाता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, प्रतिरोध बढ़ता है, या फिर प्रतिरोध कम हो जाता है। दोस्तों जैसे जैसे आप लोग का यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर बराबर होता है वी अपॉन आई, यही दोस्तों नीचे अगर अगर हम लोग आई का मान बढ़ाएंगे तो आप लोग का क्या होगा, यहाँ से इसका प्रतिरोध जो है वो कम होगा, क्योंकि आप लोग नीचे वाली अगर वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर ऊपर आपका 10 लिखा है, पहले आप लोगों ने 1 से डिवाइड किया तो आपका 10 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग का 5 आएगा, ठीक है ना? इस तरीके से अगर आप लोग डिवाइड करते रहेंगे तो नंबर भी कम होते चले जाएंगे, यानी कि आप लोग का प्रतिरोध का मान जो है कम होगा। आपका आंसर यहाँ से जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक लॉन रोलर को 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, एक जो रोलर है वो 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो आप लोग ये निकालिए कि 25 मिनट में दोस्तों कितने चक्कर लगा लेगा। अब देखिए 60 मिनट में ये जो है 20 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट में कितने लगा लेगा, 25 मिनट में लगा लेगा 20/60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 25, 20 × 60 यानी कि 25/3 आपका आ जाएगा। कितने चक्कर लगा लेता, 25/3 चक्कर लगा लेता, और एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमता है पहिया, तो 25/3 में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, उसको 360 से कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन अब इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 180 का यहाँ पर डबल 360 हो जाएगा, 25 × 50 पाई ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 3 नीचे आ जाएगा, और हमारा आंसर यहाँ से थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है निम्नलिखित समीकरण को जो है क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है, 122 + 345 - 1 मल्टीप्लाई में दे रखा है 1011 / 337।
तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 337 से मल्टीप्लाई आप लोग जो है 3 से जो है इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग का 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का 3 आ जाएगा, डिवाइड करने मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग इसको जोड़ लीजिए या फिर इसमें से 3 घटा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप लोग का आंसर सेम ही आना है। तो अगर जोड़ लेंगे तो 5 और 2 7, 4 5 6 3 और 1 6 4 आ जाएगा। इसमें से अगर आप लोग 3 को माइनस कर देंगे तो आप लोग का 464 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया गया क्रिश जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष पहले क्रिश के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा है, क्रिश की वर्तमान उम्र क्या होगी? अब वैसे इसको लगाने के देखिए कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन आप लोग जो है नॉर्मल इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं और आप सभी लोग लगा भी लेंगे। आपको दिया गया क्रिश जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा, यानी कि आपको दे रखा है क्रिश जो है ये पार्थिव यानी कि पी से 5 वर्ष छोटा, तो पी माइनस 5 ये आप लोगों ने लिख लिया, ये आपकी इक्वेशन बनोगी। अगली इक्वेशन देखिए क्या है, 8 वर्ष पहले, अब 8 साल पहले क्या होगा दोस्तों, आपका क्रिश से भी जो है 8 कम हो जाएगा, जैसे कि क्रिश से भी हमने 8 साल कम कर दिए और पार्थिव से भी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 8 साल कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया, 8 साल पहले क्या दे रखा है आप देखिए, आपको 8 वर्ष पहले क्रिश की उम्र का 3 गुना, तो क्रिश की उम्र का हमने 3 गुना कर दिया, बराबर पार्थिव के 2 गुने के 10 ज़्यादा है, तो पार्थिव के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा है, तो आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पर 3K-8 = 2P-8+10। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग का कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 3K-2P बराबर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिंपल सा 18। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, आपको मान निकालना है क्रिश का, तो दोस्तों यहाँ से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका पी की वैल्यू हो जाएगी पी बराबर आ जाएगा K+5, यही तो आएगा आपका पी बराबर K+5 आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग का जो है पी बराबर K+5 आ जाएगा, तो पी की जगह K+5 लिखेंगे तो हमारा 3K हो जाएगा, माइनस किसी प्रकार से 2K हो जाएगा, और 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ जाएगा बराबर 18, ये आपका आ गया। 3K में से 2K गया आपका बचेगा सिर्फ K, और इधर माइनस का 10 इधर 18 में जुड़ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी 28 वर्ड्स। तो इस प्रकार आप लोग का आंसर जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वह भिन्न ज्ञात करें जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप लोग क्या करेंगे, 2 बराबर आप लोग डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर दे रखा है 4/7 प्लस का 5/6, 7 छंग 42 हो जाएगा और 6 चौक आप लोग का 24, 5 सत्ते 35, 24 और 35 आप लोग जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 59, और आप लोग के 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यानी कि टोटल वैल्यू आपके 2 से अधिक, तो 59/84 आपका डायरेक्ट थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। ट्रिक आपकी यही है, अगर कभी भी अगर उतना ही अधिक और उतना ही कम पूछा जाएगा तो सीधे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, 1 बराबर लिखेंगे, जो भी आपका जिद रखा होगा इसको आप लोग जोड़ेंगे आपस में, और नीचे वाले जो हर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी ट्रिक है शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है, 2 sec² x - tan² x बराबर आपको 5 दे रखा है, तो x का मान कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। अब 2 sec² x को लिख सकते हैं sec² x + sec² x, और आपको आगे दे रखा है माइनस का tan² x बराबर आपको क्या दे रखा है दोस्तों, 5 दिया गया है आपको, बराबर में 5 दिया गया। अब sec² x - tan² x ये होता है 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 + tan² θ बराबर होता है sec² θ, इसीलिए sec² θ - tan² θ का मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब 1 इधर जाएगा दोस्तों आपका, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, तो sec x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, तो sec x बराबर अगर 2 है तो x का मान कितना होगा, तो ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, sec 60 का मान आपका 2 आएगा। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने जो है विलय कर दिया, तो ये आप लोग की है प्रजा राज्यम पार्टी। अगला क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के जो बाहरी शैल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी के जो है बाहरी शैल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में जो है गलत अंक की पहचान कीजिए, तो गलत अंक आप लोग का होगा 32। क्यों होगा, देखिए 6 में 6 आप लोगों ने जोड़ा, यहाँ पर 12 आ गया, 12 में 8 जोड़ेंगे हमारा 20 आ गया, अब 20 में आपको 10 जोड़ना चाहिए था, आपका 30 आता है यहाँ पर, 30 है तो सही होता, 30 में आप लोग 12 जोड़ेंगे, फिर आप लोग इसी प्रकार दोस्तों आप लोग क्या करेंगे यहाँ से 14, फिर आप लोग जोड़ेंगे यहाँ पर 16, इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है, यहाँ पर 32 आ गया, यहाँ पर जबकि आना चाहिए था 30, यही आप लोग की गलती है इसमें दी गई। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए, फ्रीडम टेल 1.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है, आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग जो है वो किस अमेरिकी शहर में मिलेगा, तो यह मिलेगा आप लोग को बोस्टन में। ठीक है, किसी कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान 12 है, हीलियम का 4 है, तो प्रत्येक तत्व जो है 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा,
तो कथन है आपका ये होगा कि दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो हीलियम का जो 1 मोल है कार्बन के 1 मोल से यहाँ पर 3 गुना अधिक परमाणु दे रखा है, गलत है। सीधी बात यहाँ पर यह कि कार्बन का 1 मोल जो है हीलियम के 1 मोल के मौजूद परमाणु की संख्या जो होगी इनमें समान होगी, ठीक है, इन दोनों में जो है परमाणु की संख्या समान होगी। ओके, सही चित्र को आप लोग को चुनना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये पोजीशन आपकी यहाँ पर थी ये पहले, अब भी दोस्तों यहाँ पर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन दोस्तों क्या हो गई, तुरंत 180 का परिवर्तन आ गया, 180 डिग्री का परिवर्तन आ गया। तो सेम दोस्तों अब की बार दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन तो नीचे रहेगी, लेकिन इसका जो नीचे ये पहले नीचे जा रहा है, अब की बार में दोस्तों ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर से आपका जो आंसर आएगा वो आपका सेकेंड वाला आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये आपका इसमें आएगा आपका सीधे सेकेंड वाला, तो आपका आंसर सेकेंड वाला आ गया। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस पेपर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट जब आप लोग की क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग का अगला पेपर है जो 10 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर भी पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग चैनल बने रहिए, फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।